अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाले सिकंदर मागला पहाड़ियों के इंतहाई पुरफिजा मुकाम ट्रेल 3 पे मौजूद हूँ। आइए हम इस मुकाम की अहमियत और अफादियत के बारे में यहाँ आने वाले लोगों से जानते हैं। मैं तो काफ़ी अर्से से इधर आ रही हूँ और मैंने ये फील किया है कि वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छा है, मेरे तो एटलीस्ट वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, बट यू रियली हैव टू कम रेगुलरली अगर इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट। और दूसरा ये कि जनरली आपको एक आउटडोर में आने की जो एक जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग होती है वो भी होती है, और ऑफकोर्स यू मेक फ्रेंड्स ऑल्सो एंड यू सी पीपल, तो डेफिनेटली लोगों को आना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर टाइम, जो हमारा टाइम स्लॉट है वो बहुत कम है, बिकॉज हम लोग बहुत अर्ली भी नहीं आ सकते और बहुत ऑब्वियसली मगरब के बाद भी नहीं हम लोग आ सकते। वेट लॉस मतलब मैं वेट अपना मेंटेन करती हूँ, और अगर मेरा वेट अगर खुदा ना खासा चढ़ जाए तो फिर ये है कि विद इन ए मंथ मैं यहाँ पे आके रेगुलरली ऊपर 2 benches तक मैं 2 दफ़ा करती हूँ, तो फिर उसके बाद 10 to 12 days में मेरा काम भी हो जाता है। तक मनार रेस्टोरेंट तक तक 5 से 6 किलोमीटर का फासला है, लेकिन मैं बहरहाल 1 घंटे का टाइम रखा हुआ होता है आने जाने के लिए डेली बेसिस पे, और सैटरडे संडे वाले दिन हम फिर पूरा भी कर लेते हैं। ज़्यादा स्टीप है उसको हम फाइव लाइन कहते हैं और दूसरे वाले को ट्रेल कहते हैं, मतलब वो निस्बतन कम स्टीप है और ज़्यादा स्मूथ है वो वाला, लेकिन उसमें भी अगर इतना स्मूथ वो भी कोई नहीं है क्योंकि पहुँचना तो अपने ऊपर ही है ना, तो इसमें ज़्यादा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैं फिटनेस के लिए बेसिकली ज़्यादा आता हूँ, हमारे ऑफिस में जिम है लेकिन मेरा उसमें मतलब मज़ा नहीं है जिम के अंदर ना, तो मुझे ये इसमें नेचर भी है साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, फील कर रहा होता हूँ, स्ट्रेस फील करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ 1.5 घंटे की वो मुझे बड़ा हशाश बिशाश कर देती है। जी तो नाज़रीन, आप अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए और कुदरती हुसन को करीब से देखने के लिए आप रुख कर सकते हैं मागला पहाड़ियों के दामन में मौजूद ट्रेल 3 का।